नमो अलंकारम नमो सिद्धारम नमो आय्यारम नमो अध्यायारम नमो दोई सर्वसागरम शुद्धात्मान मनिकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श सिद्ध्यर्थम संदर्श सुप्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैतम जयति शासन सर्वव्यापक सिद्धुपय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एक वाक्य ऐसा सोचो कि प्रसन्नता आ जाए, क्या हो सकता है? तो आत्मा को जाने बिना प्रसन्नता का अभाव है, तो आत्मा को जाने गई तो ही प्रसन्नता आएगी, और कोई उपाय ही नहीं। तीन लोग तीन काल में सुखी होने का और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। नखल नखल यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। अभी विचार कर रहे थे हम वहां, आत्मा स्वभाव से महान है, पर्याय में अपने स्वभाव को भूल करके पामर हो रहा है, स्वभाव से स्वाधीन है, अपने स्वभाव को भूल करके पराधीन अनुभव कर रहा है। हम पे गुलामी नहीं होती, हम पराधीन हैं, क्या करें? विषय सुख अनेक प्रकार से पराधीन है, अपने अनुकूल स्पर्श करना चाहता है, अपने अनुकूल चखना चाहता है, अपने अनुकूल सूंघना चाहता है, अपने अनुकूल देखना चाहता है। ठीक, ऐसे कैसे बैठे? बस ये अपने अनुकूल देखना चाहता है, कोई तकलीफ है वो क्यों उठ गई? अरे उसको पेशाब लगी होगी, उठ गया होगा बेचारा, और उसको कोई शल्य होगी, कोई काम आ गया होगा, उठ गया होगा, तुम क्यों उठ गई? लेकिन अमूर्ति का आत्मा नहीं दिखता, शरीर दिखता है, तुम क्यों उठ गए? ये उठ गया यहां से तुम्हारी ओर, ये पता नहीं। आत्मा स्वभाव से महान है, स्वभाव को भूल करके पामर हो रहा है, स्वभाव से स्वाधीन है, स्वभाव को भूल करके पराधीन जैसा अनुभव कर रहा है। अब भैया स्त्री पर्याय पराधीन है, अरे स्त्री पर्याय क्या पराधीन है, सभी पर्याय पराधीन है, लेकिन स्त्री पर्याय पराधीन क्यों कही गई? स्त्री की पर्याय पराधीन इसलिए कही गई, वह पर में सुख मानता है, जो पर में सुख मानता है वह पराधीन होता है, जो निरंतर अपने को भयभीत रहता है, असुरक्षित अनुभव करता है, कमजोर देखता है, और ये सब बातें आत्मा की ओर देखने से दूर होंगी। कारण कार्य संबंध एक ही है, अभेद होता है, भेद नहीं होता। कारण कार्य संबंध तुम पर में जोड़ लेते हो, लेकिन पर में कभी होता ही नहीं है। अपने अज्ञान अपने कसायों के बिना कोई दुखी होता ही नहीं है। जिस समय यह जीव पर के कारण दुख मानता है, एक किसान था, वो अपने चार बेटे थे, उसके मारे परेशान था। अरे भैया अपने अज्ञान के मारे परेशान था, ये नहीं सुना? अपने अज्ञान से परेशान है कि बेटों के मारे परेशान? कोई बात मानता नहीं इसलिए परेशान है, कि मनवाना चाहता है इसलिए परेशान?
स्थिति की भगवान ने तूने क्या मानी, भगवान तो परेशान नहीं हुए। जो अपने आनंद में तृप्त है उसे कौन परेशान कर सकता है। हमें शांति से रहने दो, कौन रोक सकता है तुम्हें शांति से रहने। हमें ब्रह्मचर्य से रहने, कौन रोक सकता है तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहने। अब तुम अकेले अकेले में याद करो मरेगी तो, और रो दुखी हो तो हम क्या करें। पागल हो जा और परिस्थिति का चिंतन करके तुम मरण की ओर दौड़ो तो हम इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। ये तुम्हारा अज्ञान है, ये दशानन ये तेरा अज्ञान है। सीता का इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं, रावण दुखी है तो। रावण को सुखी बनाने के लिए सीता क्या करे, रावण के अनुकूल हो जा। सुनो, रावण के अनुकूल पुण्य के उदय में कदाचित लग जाए तो भी सुखी नहीं होगा। चंद्रप्रभा रानी मधुराया के अनुकूल हो गई, अनुकूल प्रवर्तने लगी उल्टा सोच करके, और तो भी कहां सुखी हुआ। सुखी हुआ जब विरक्त हुआ, जब सुखी हुआ तब विरक्त हुआ। विश्व में कसाय से बड़ी अग्नि कोई नहीं है। द्वारका दहन हो रहा था, वो द्वारका दहन के काल में ग्रंथकार ने क्या लिखा। प्रायोग गमन संन्यास कर रही थी अनेकों रानियां, अनेकों लोग प्रायोग गमन संन्यास कर रहे थे आग के बीच में। जो शरीर अग्नि से जल रहा है सो मैं नहीं हूं, और मैं अग्नि से जल नहीं रहा। प्रायोग गमन संन्यास जानते होगे, इतना आगम तो आना चाहिए। अभी सभी समयसार प्रवचन सार जी देख रहे थे, आगम ज्ञान बिना कुछ कार्यकारी नहीं होता। आगम को जाने बिना तत्वों का निर्णय कैसे होगा, तत्वों का निश्चय बिना भेद ज्ञान कैसे होगा, भेद ज्ञान बिना स्वानुभव कैसे होगा। जिसमें दूसरों से सेवा कराने का भाव भी नहीं होता, प्रायोग गमन संन्यास। और अपने आनंद में तरते अनेकों तद्भव मोक्षगामी पुत्र थे उनके, श्री कृष्ण के बलदेव के उनके प्रश्न थे पुत्र, और उनको देव उठा करके ले गए और नेमनाथ के पास रख लिया। क्या समझते हो तुम, सहायता की लालसा करते हो, हमारी कोई मदद कर जा। तुम दृढ़ रहो तो मदद तुम्हारी जब करेंगे, और तुम्हें भिजलोगे तो हम क्या कर मदद करेंगे तुम्हारी। हम मौन आएंगे और तुम मदद करो हमारी, हम क्या मदद करेंगे। सवेरे प्रवचन सार की स्वाध्याय कर रहे थे, चरणार योग चूलिका में आचार्य भगवान ने कहा यथाजात शरीर संस्कार रहे शरीर यह उपकरण है, सूत्र का अध्ययन सूत्र उपकरण है, उपदेश उपकरण है, और ज्ञानियों की विनय वह उपकरण है। उपकरण शब्द हम बहुत ढूंढते रहे संस्कृत में, संस्कृत में नहीं मिल पाया, मिलेगा कभी देखेंगे। उपकरण है, उपकार करने वाला है, माने अगर हम विनय नहीं करेंगे तो हमारा ही उपकार होगा और कुछ नहीं होगा। हमने नहीं पूछ पाए तो, नहीं पूछ पाए तो हम क्या करें, हम नहीं बोल पाए तो हम क्या करें, और हम नहीं कोई क्या करे ये बता दो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता तो नहीं, तुम नहीं बोले तो तुम उसका दंड भोगोगे, हम क्या करें। अर्थों कहा था, कल कहा था, गुआ कौन होता है जो भक्ति दोहराता नहीं है, योग्य उत्तर नहीं देता है, गुआ चुप बस अपना काम करने के लिए बोलेंगे। ये भगवान, ये हम इसलिए कह रहे हैं बार बार
कि भैया ये आदतें छोड़ो, जिसको तुम मानते हो हमें अहंकार नहीं है उसी का नाम अहंकार है, ये ध्यान रखो। अज्ञान में अपने दोष पता नहीं पड़ता, तुमने हमें अंतर क्यों डाल दिया, किसने अंतर डाला, भगवान में हमें किसने अंतर डाला, वे विराग या राग बेटा, हमारा राग ही हमारे में अंतर डालने वाला है, हमें बात करने हैं टकासी जवान हरारी बात करने हैं, बस का बात करने है? अब क्षमा करो, बस ये बात करने है। पत्थर बुद्धि मत बनो भाई, कुछ करो अपने लिए, तुम संगी हो, सोचो अपना हित हित क्या हो। आत्मा स्वभाव से महान है और पर्याय में 10 लक्षण से महान होता है। वितराग विज्ञान से महान होता है, साम्य भाव से महान होता है, एक ही बात है। रत्नत्र से महान होता है, एक ही बात है। विविक्षा भेद है, बात बाकी कोई अंतर नहीं है कथनों में। पर्याय में अपने को भूल करके पामर होता है, एक व्यक्ति को हीरा मिल जा, खो जाता है तो दरिद्र हो जाता है, कौआ उड़ाने फेंक देता तो दरिद्र हो जाता है, और उस हीरा की कीमत पहचान लेता है उससे मालामाल हो जाता है। आप समझ लो, आप स्वभाव को भूल करके बहुत दुखी हो जाओगे, स्वभाव को समझ करके भगवान बन जाओगे। अब नहीं मनना हो तो रहने, स्वभाव को समझे बिना भगवान बनने का तो कोई उपाय नहीं, सुखी होने का कोई उपाय नहीं, ज्ञानी होने का कोई उपाय नहीं। तत्वार्थ सिद्धांत आगम ज्ञान और संयम भाव ये होने पर भी आत्मज्ञान के बिना कार्यकारी नहीं होते। प्रवचन सार जी ने लिखा है, हमें उपचार का कथन है, होते ही नहीं। सही बात तो ये है, आत्मज्ञान हुआ और आगम ज्ञान नहीं हुआ, आगम ज्ञान हुआ आत्मज्ञान है। अरे कहा, जो जाने दे अंतम सो जाने दे अपानम, जो जानना जाने दे अपानम सो जानना जाने दे अंतम। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनंत को भी नहीं जानता, अनंत को नहीं जानता वो आत्मा को भी नहीं जानता। हंसने से काम नहीं चलेगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, खिजाने से काम नहीं चलेगा। किससे फरियाद करने जाओगे, कौन से बांट रहोगे, किन से पुकार करोगे, तुम्हारी उस दुख को कौन बांटेगा उस कर्म के उदय के दिन। लगता नहीं है ये बातें सच्ची हैं, गंध जिसको लगता नहीं वो ये सच्ची हैं। कल से नहीं बैठना, बिल्कुल मत बैठना, और अगर लगती हैं सच्ची हैं तो विचार करना, और उत्तर भी देना विचार करने के बाद। हम जी कह रहे दर्शन करने गए, कौन तुम्हें वाला है रात, कौन दे वाला है, ये व्यवहार है, वास्तव में व्यवहार है। क्रोध करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्षमा जीव को महान बनाती है, क्रोध जीव को नीचे गिराता है। दीपायन के क्रोध के संबंध में बहुत चर्चा की है, हरिवंश पुराण पढ़ना। बलभद्र नारायण को जब पता पड़ा तो आकर के हे साधो क्षमा करो, बेकार को क्षमा कर रहे हैं, अपना तप भी बिगाड़ा अपना मरण भी बिगाड़ा, दो शब्द बहुत महत्व आए, अपना तप भी बिगाड़ा मरण भी बिगाड़ा दीपान ने, और न जाने कहां कहां तक कब तक दुख भोगेंगे।
अपना तप ही बिगाड़ा, अपना मरण बिगाड़ा, दूसरे पर कसाय करना ऐसा है जैसे लोहे का गरम गोला उस दूसरे पर फेंकना। ये भगवान अपने हाथ पैरे चलेंगे, वो हड़िया उसका क्या बिगड़ेगा। हम ये पूछ रहे हैं जो मोक्ष ये धर्म ध्यान कर रहे थे, प्रायोगमन संन्यास धारण कर लिया उन्होंने, तो जी बताओ उनका क्या बिगड़े। द्वारका जल गई अग्नि में तो उनका क्या बिगड़ा, कुछ नहीं, वे तो मुक्त चले गए, वे तो स्वर्ग चले गए जहां आपका नाम नहीं, नहीं। शरीर जल गया, जल जाएंगे। उसमें लिखा देव सास गुरु का जैसे सिद्धांत होता है, शरीर से भेद विज्ञान होता है, ये समझ लेना चाहिए। उसे अग्नि की भयंकर ज्वाला भी आर्द्र और ध्यान का कारण नहीं बनती, धर्म ध्यान का निमित्त बनती है। भावुकता से मत पढ़ो, तत्व ज्ञानी होकर के जो जी प्रथमान योग का अभ्यास करते हैं, तत्व ज्ञानी होकर के अभ्यास करो तब मालूम पड़ेगा, तब तुम्हें लगेगा कि ये हमारी वैराग्य भाव के अनुकूल है। उसके बिना क्रियाकांड और कथा कहानी लगेंगी तुम्हें। उस जंगल में नारायण कृष्ण को अपने मरण अवस्था में भी मरना माने बिना कौन लगा रहा था, अपने ऐसे बलभद्र लगाए हुए रहे थे। अरे बलभद्र का मोह, बलभद्र का ज्ञान, मरा मानने को तैयार ही नहीं। और जब समय आया ओ उनका संस्कार किया स्वयं दीक्षा ली, और दीक्षा का प्रसंग भी बहुत सुंदर है। उन्होंने दीक्षा कैसे ली, जाकर के पर्वत पर चले गए, वहां कोई मुंडराज तो थी नहीं, नेम कुमार जहां विराजते थे नेमनाथ स्वामी उधर मुंह किया और ऐसे हो गए, मैं नेमनाथ का शिष्य हूं, दीक्षा ले। शिष्य बनने के लिए सामने गुरु हो ऐसा नहीं है, गुरु सामने हो ऐसा है, ज्ञान के सामने रहना चाहिए, उपयोग के सामने रहना चाहिए, डर लगना चाहिए, तुम्हें अनुशासन आना चाहिए, बस सामने बैठे हो। अब कहा सामने नहीं है, बस काम खत्म होएगा, अब कहा मैंने मनमानी करो, मनमानी सोचती रहो। अरे तुम्हारे परिणाम जो भीतर चलते रहते हैं उनका भी तुम्हें फल भोगना पड़ेगा, सामने और पीछे की बातें छोड़ो। हम नहीं बोलेंगे, अरे नहीं बोलोगे तो तुम गूंगे बनोगे, हम क्या करेंगे, तुम्हें वाणी नहीं मिलेगी, तुम दो सांत्वना के साथ तुम शब्द बोलोगे तो तुम्हें सांत्वना देने वाला मिल जाएगा। न जाने कौन जीव किस समय किस भाव से आकर के खड़ा हो जाए, उसका स्मरण आ जाता है परिणाम। देखो मोक्ष मार्ग में एक बात और बताएं आपको, विशुद्धि का महत्व है, क्षयोपशम का महत्व नहीं। क्षयोपशम अहंकार कराता है, इंद्रिय ज्ञान अहंकार कराता है, इसका महत्व नहीं है। ग्यारह नौ पूर्व का आगम ज्ञान तुम्हें तो कुछ याद नहीं होगा, और अज्ञानी फिर भी अब का पढ़ के तुम ज्ञानी हो सको, पढ़ पढ़ करके जो ज्ञानी होना चाहते हैं, जो ज्ञानी होने के सपने देखते हैं, हमने तो पढ़ लो जी पढ़ लो जी और पढ़ लो जी और पढ़ लो जी और पढ़ लो, उनको ग्यारह नौ पूर्व पढ़ने के बाद भी अज्ञान कैसे रहता है ये बात सोचना चाहिए, तो फिर ये अज्ञान कैसे मिटता है। समय सार जी में
उस अगम अभ्यास का शास्त्र पठन का गुण, एक गाथा आई शास्त्र पठन का गुण, देह से भिन्न आत्मा को जानना, ये शास्त्र पढ़ने का गुण है। कछु मतलब नहीं, कछु फायदा नहीं, तीन दिन दवाई खाई कछु फायदा दो रहा हूं बुखार जो को तुम शास्त्र इतने पढ़ ले और अज्ञानी के अज्ञानी बन रहे। क्यों? शास्त्र पढ़ने का गुण है देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान, भिन्न ज्ञानमय का ज्ञान होना, आत्मा का ज्ञान होना, ये शास्त्र पठन का गुण है। एक शास्त्र पढ़ करके पढ़े, दो शास्त्र पढ़े, जैसे कोई मतलब नहीं। नई नई के प्रति प्रीति होती, नई भक्ति कोई लिखी है? कोई नई भक्ति लिखी है सुना देने और बस बोल लो सीख जा, हम देख ले हमने बोल रही हमने सीख रहे। अरे पुरानी को भक्ति से कहा, भक्ति को एक घंटा भक्ति में लगा दो और फिर जल्दी जल्दी बांच दो विधान, ये बहुत भारी भूल है। विधान को भक्ति से पढ़ना सीखो, भक्ति जोड़ना मत सीखो। भक्ति तो इसलिए जोड़ने की पद्धति है कि नाना प्रकार की छंद बदल जाए, उनको गाना आ जाए, जरूरी नहीं है वहां पूरी भक्ति बोली जाए। एक घंटा भक्ति में लगाया और उसको भक्ति ही नहीं गाया शास्त्र पठ, सोचो। विधान को भक्ति से गा, बहुवन से गा, भक्ति से गा मने वंदे तद्गुण लब्धे, ये तुकबंदियां नहीं है। प्रवर का निर्माण दिवस, हम सब का कल्याण दिवस, तुकबंदियां नहीं है ये, तान का पड़े हुए की बातें नहीं है, बहुत सोचने की बात है। हर स्वाध्याय के पांच अंग होते हैं, अनुपेक्षा नाम का प्रधान अंग होता है। जब तक ये जीव व्याख्या करता है, अनपेक्षा नहीं करता है, तब तक कल्याण नहीं होता। चिंतन तो करना सीखो, जो अपने इष्ट का स्मरण करेगा, इष्ट वियोग रोध अध्ययन कैसे हो जाएगा उसको। अब वो इष्ट को भूल करके इष्ट को याद करता है, इसलिए आज को वे होते, आज को वे होते, स्त्री पति का याद कर स्मरण करके दुखी हो रहा है, और पति स्त्री का आज को वो होती तो गर्म गर्म रोटी खवा देती, खिचड़ी बना देती, भोगों के लिए दुखी हो रहा है और कुछ नहीं। अपने सुख का अपने में निर्णय के नियम सार जी में ऐसी प्यारी सब भाषा लिखी है, इस संसार में समिति रहित कामातुर जीव का जन्म होता है। इस संसार में जो समिति से रहित है, यत्नाचार से, समिति माने एक शब्द में कहें तो यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, उसका नाम समिति। गुप्ति बिल्कुल प्रवृत्ति का अभाव, प्रवृत्ति का अभाव माने विभाव प्रवृत्ति का अभाव, प्रवृत्ति का अभाव कभी नहीं होगा। कामातुर, कामातुर माने काम में सुख की कल्पना करी है, भोगों में सुख की कल्पना करी है, और भोगों में सुख की कल्पना करके ये जी आहा या चाट ले सुख मिल जाए मर जा, ऐसा पागल हो गया। कहां से सुख आया? हम कई बार हंसी मजाक कर लेते कि भैया पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श हुआ, तुम्हें सुख कहां से हो जाए। कोटरामल जी का ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, स्वयं ही इच्छा की थी, स्वयं ही जाने माया, स्वयं ही सुखी मान लिया, हमें मान लो सुख होगा, मान लिया है कि सुख हुआ है, उसका प्रमाण दिया था आपको। अगर सुख हुआ होगा तो इच्छा नहीं होगी, और सुख मान लिया होगा तो इच्छा उत्पन्न होगी।
नई इच्छा का जन्म हो गया वो, और सुखी हुए हो गए तो इच्छा नहीं होगी, कछ इच्छा जाके नहीं हुई। दशरक्षण धर्म, एक एक शब्द को लगाओ वहां, क्षमा जीवन को महान बनाती है। हमने इसको क्षमा कर दिया, इसके हृदय में हमारा क्या व्यवहार हो गया सोचो, कितने ऊपर उठ गए। उदीना वाली प्रसंग से पढ़ो, क्षमा से जीव तत्काल दुखी से सुखी हो जाता है, विनय से जीव तत्काल दुखी से सुखी हो जाता है, विनय जीव को महान बनाता है। जितने बड़े लोग होंगे उतनी ही बड़ी विनय होगी, देख लेना। क्या है मिथ्यात हो गया तुम, वही देसी में तुम तो ज्यादा पड़ गए हो ना, डेयरी छू ली तो मिथ्यात हो गया। अरे भैया डेयरी नहीं छुई जाती है, उस डेयरी में जो रहता है उसके प्रति बहुमान से पांच छू लेते, तुम भी दूर से पांच छू लेते कि नहीं। कौन आप पंडित जी पांच पांच छुआ करो, जैसे पंडित जी को पांच छुआने का शौक हो। हम नहीं कहेंगे, हम नहीं बोलेंगे, कभी कभी बोल देंगे, किसी से बोल देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। आप मत छुआ करो और हम छुएंगे। हे भगवान, या हम अपने को बड़ा नहीं छू करके ही मान मान लेंगे, मानेंगे महान, स्वभाव से महान नहीं बनेंगे। विनय जीव को महान बनाता है, सरलता जीव को महान बनाती है। एक बात तुम सरलता से स्वीकार तो करना सीखो, हमारी भूल है, हमारा अपराध है, हमारा भारी अपराध है, भारी दोष है, कलंक है, दोष है, कभी स्वीकार तो करना सीखो सरलता से। हमारी का गलती, हमारी का गलती, हम क्या करें। कितनी बार बोलते हो, इसी का नाम तिरस्कार है। जो कल पढ़ता पढ़ता, तिरस्कार नहीं करें किसी का, प्रभुता रूप रखें सभी का। तुम आए हम उठ गए, जी का मतलब तिरस्कार है। भैया नहीं बैठियो, हम व्याज पेशाब कर पानी पिया, हम का बात है, उसमें क्या बात हो गई। अब कुड़कुड़ा रहे जब न, पछना स्वाध्याय का अंग है, लेकिन हम पूछने को अपना ऐसा मानते हैं कि जैसे कि भारी है, हम छोटे हो गए और छोटे तो हैं। अरे पागल बने, मानते तो बड़े हो, हम क्या करें। गुरु का गुरु मानना इसी का अर्थ है, उसका यही अर्थ है। नहीं न पूछ, आएगा नहीं तो अभी पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे तो जवाब नहीं देंगे। बस आएगा नहीं तो अभी पूछेंगे नहीं, और पूछेंगे नहीं तो अभी जवाब नहीं देंगे। जा सांस निकाल रही हो और बस देख रहे यहां से वहां तक, पूछी का नहीं थी, बस काय को पूछे थे। ये आदत में पड़ गई हमारी, इस अलमारी में है, बीच के घन में है, वही समझ में नहीं आई कहां है, तो चल काय को दे, दौड़ काय को पड़े। बिना समझे दौड़ने लगते हो, ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग साधना चाहते हो। ज्ञान बिना क्रिया अवगाहे, क्रिया बिना मोक्ष पद चाहे, मोक्ष बिना कहे मैं सुखिया, सो अजान मूरन में हो गया। सरलता से स्वीकार करना सीखो अपनी भूल को, अपना दोष को, देखो फिर क्या आनंद आ जाए, जीवन में कितनी प्रसन्नता मिलेगी हमें खुद। और नहीं तो कुड़ते रहेंगे अपन,
टेंशन में पड़े रहेंगे। ये हंसी मजाक की बातें थोड़ी है, तुकबंदी की बातें थोड़ी, या टेंशन नहीं रहोगे तो टेंशन में तो रहोगे। हमें कछू टेंशन नहीं, लापरवाही है इसलिए टेंशन नहीं है। अपने हाथ में की चिंता नहीं है तुम्हें, पंडित जी शांत हो गए। कहते थे भैया जाकी पुराने जमाने की बात है, 20 वर्ष की लड़की ब्याह के लिए बैठी हो और चैन की नहीं सो रहा हुआ है, मैं नहीं रहा है। जागृत को सम्यक दर्शन होता है, सोते हुए व्यक्ति को नहीं होता। जागृत उपयोग वाले को रोज चले आओ अपने, यही नहीं पता कोई ने कही नहीं तो हम देर हो रही है, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। हम क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ मत करो, जो कर रहे सो ही कर लिया, और मान ले रहो अपने को हम बहुत बड़ी धर्मात्मा है। ध्यान रखना, कांच को हीरा मानने से कांच हीरा नहीं हो जाएगा, हीरा को कांच मानने से हीरा कांच नहीं हो जाएगा। हीरा कांच कैसे मानते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति नहीं हुई एक आदमी की तो बोला अरे भगवान में सत तो नहीं आओ, एक तेरे भगवान में सत तो नहीं, तेरा उदय नहीं, तेरी इच्छा पूर्ति होने आना, ये भगवान का चमत्कार है कोई, और तेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई बस सत तो नहीं है, हाई कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते, ये कभी सो जाए, जब सुनाते हैं तो सुनने के लिए अवसर नहीं, तुम किसी की नहीं सुनते, तुम्हें लगता है हमारी कोई नहीं सुनता, और थोड़ा बहुत पुण्य छीन हो जाए फिर देखना कौन सुनेगा तुम्हारी। अगर तुम जिनवाणी नहीं सुनोगे तो नोट कर लेना कोरे कागज पर, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। आज पुण्य के उदय में मधुर मत हो जाओ, हमारी सब मानती है, हमारा ग्रुप है, हमारा बहुमत है, ये मत सोचो हमारा बहुमत है अन्याय करो, उल्टा बोलता है, उल्टा बोलता है मने हमारी कोई सुनता नहीं, हम भगवान की नहीं सुनते। ये कौन सा पाठ है, संबोधनाष्टक है कौन सा, तूने तो प्रभु की नहीं मानी, तेरी सारा जग तेरी कैसे मानेगा। सही बात है तो का झूठी है, मम झूठी लिखी होगी, हम क्रोध करें तो ऐसा लगता है हमने कुछ नहीं अपराध किया, और हमसे कोई क्रोध करे तो क्या करें, मत जाए, ये भगवान ऐसे बोलते हो, हमारे मारे परेशान है भैया अब वहीं जा रहे, बहुत बढ़िया बात, तुम्हारे मारे परेशान है, अरे तुम्हारे प्रति राग है इसलिए परेशान है, कोई राग करने वाला बातचल करने वाला नहीं मिलेगा तुम, जाओ भक्के जाओ कहाँ जाओगे, आधी रोटी और ले ली। अब हम समझ गए कि इन्हें आधी और ले ली जो कहेंगे तो आधी ने गुंजाइश रखेंगे और ले लेंगे, क्यों कल को कहे हमसे, को कहे कल हमसे, हम नहीं लेंगे, नहीं ले तो मत ले, फिर भूखे हुए तो नहीं कहोगे आधी रोटी ले ली। बाचल का अनादर करना भी नहीं, अबाचल करना भी नहीं, ध्यान रखना, क्षमा धर्म जीव को महान बनाता है, ऊपर ऐसे उठ जाता है जैसे संभोषण में भगवान उठ जाते, ऐसे शरीर से नहीं परिणामों से। कुंठा पैदा करती है हमारी ईर्ष्या, हमारा अभिमान हमें दुखी करता है, बोल जी बहुत छोट रहा मन जी ने एक तरह का एक्सरा खींचा है, डॉक्टर ऐसा खींचा ही है, माने भीतर से पहचाना, दुखी तो कसाय से होता है, दुख का कारण कसाय के निमित्त को मानता है, या तो कुत्ते में से आए होगे या कुत्ता बनना होगा,
लाजी जवाते हैं, दुख का कारण निमित्त को मानते हैं, निमित्त को पकड़ते हैं। कुत्ते की पर्याय पसंद है तुम्हें? देखिए दुर्दशा, अगर पसंद नहीं है तो फिर क्यों एक उपाय क्यों करते हो कि हम कुत्ता बन जाए जा करके और भोंग भोंग करें? काय को भोंगते हो? जो चाहूंगा ते दुखते हैं डरे तो तज सब पर भा कर शुद्धातम अनुभवन यह हित हित उपाय। जो चाहूंगा तो दुख से डरे। अरे भाई दुख से डरती हो तो दुख से दूर करने का उपाय भी तो है, और वो उपाय तुम्हारे पास है, कोई और के पास नहीं। तुम अपने अज्ञान से दुखी हो, ज्ञान से ही सुखी हो सकती हो, और कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं। अरे अन्य किसी उपाय की जरूरत भी नहीं है। क्या करें, अकेले आदमी परेशान हो जाता है, तो तुम परेशान क्यों हो जाते हो? अकेले अनुभव नहीं करते, इसलिए अकेलेपन का बहाना बनाते हो। अकेले आदमी के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं है, इतने व्यापार की जरूरत नहीं है, इतना खान पान की जरूरत नहीं है। कहा अकेले आदमी, अकेले तो हो जाओ, एकाकी एकत्र लिए सब ही आते, आप बैठ तो जाओ और फिर निकल तो पड़ो अकेले। अब तुम्हें तो ये लगते बामे हीनता लगती है, अभिमान से देंगे दूसरों को और दीनता से लेंगे, लेने में दीनता लगेगी और देने में अभिमान आएगा। उपकार करने में तो पांव दाब भी मैं अच्छो लग रहा हूं, और कहिए बेटा नहीं पांव दाब दिए ध्यान बुरो लगे रहो, बुरो क्यों लगे रहो? साधर्मी नहीं समझ रहे। माँ ने भोजन बनाया, जल्दी में नमक डालना भूल गई, बच्चा भोजन कर गया, चुपचाप कुछ कहा नहीं, माँ को बहुत बुरा लगा। तुमने अपनों नहीं समझो, कह नहीं सकते। अगर माँ ने, अगर उसने गुस्सा भी कर दी और रोटी खा ली तो माँ को संतोष है, लेकिन माँ कहा कुछ नहीं, कह नहीं सकती, मांग नहीं सकती, प्यासी बैठी रही, बड़ी अभिमानी आ गई। बनी जी विचार इतने बैठी थी संकोची, तो संकोच से भोजन करने लगी। चुनौजा भाई बोली, बेटा मां से संकोच क्यों करते, अच्छी तरह भोजन कर। अब ये बात अलग है, हम अच्छी तरह का अर्थ का अलग करते हैं। अपना अंश पर में मत, भोजन में मत मिलाओ, भोजन में का अंश अपने में मत मिलाओ, उसका नाम अच्छी तरह भोजन करना। पूरा भोजन कर जाओ और तो भी तुम्हारी ऐसा हमती नहीं टूटे, तुम्हारे अंदर में आसक्ति और लालसा न जगे, तुम्हें अपना भोजन अलग दिखाई दे और वो भोजन अलग दिखाई दे, तो है अच्छी तरह भोजन। अच्छी तरह माने सम्यक प्रकार। अब ये अर्थ लौकिक जीव नहीं जानते, नहीं जानते कोई बात नहीं, अरे नहीं जानते उसका नाम लौकिक है। हम तो कई बार आपसे कह चुके, भोजन करते समय नमोकार मंत्र पढ़ना भूल जाओ तो अपराध है, लेकिन वेद ज्ञान करना भूल जाओ तो महा अपराध है, ध्यान रखना। भोजन में रसी बंद करो तो कोई बात नहीं, लेकिन भोजन में आसक्ति हो ये बहुत बुरी बात है। तुम्हारी थाली में जो भोजन आए सरस नीरस, बड़ी प्रेम से बड़े उल्लास से भोजन कर लो। एक सेठ का नौकर था, सेठ और नौकर दोनों बाग में पहुंचे, आम का मौसम था, दो आम तो तोड़ लेना, आम तोड़ लिए, अब बना इसको धो पोंछो बनाओ, उसने बना दिए।
के त्याग के देखना कैसा है, बहुत मीठा है, ये तो हमें ही दे दी, हमें ही दे दी, ये तो हमें ही दे दी, और पूरा आम खा गया और इतना रह गया। अब वो सेठ कह रहा हमें तो दे, वो नौकर कह रहा है हमें ही दे दो। सेठ कह रहा है क्यों रे, तीन खाप तो जे दे दी, एक खापी बच गई, ये भी नहीं खाने देगा, तू ही लेगा। और सेठ ने मुंह में ले ली और खा के थूक दी, इतनी खाटी। नौकर बोला तूने कहीं खाटी है कि महाराज आपके हाथ से भोजन करने को मिला, अब हम खट्टू कैसे खाएं, आपका प्रेम इतना मीठा है उसके आगे हम खट्टा कैसे खाएं। बताओ अब वो बिना पढ़ा है तुम्हारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में तो बहुत पढ़ा लिखा है, तुम्हारी दृष्टि में होगा, तुम्हारी दरअसल मापदंड गलत है। तुम छह सब ज्ञान को ज्ञान मान रहे हो, तुम्हें बुराई नहीं लगता कि सारा जीवन अपना सौंप दिया और उसको तुमने किसके हाथ सौंप दिया, पूजा दान स्वाध्याय सेवा भाई ये दूसरे के हाथ से नहीं कराई जाती, अपने हाथ से करी जाती है। लेकिन नहीं, ये तो और बढ़िया, कोई और कर जाए और हमें बस लाभ मिल जाए, बस आराम से स्वाध्याय में होता रहे, क्लास चलता रहे हमारे, उसमें अंतराय नहीं पड़े और हमारा प्रमाद नहीं छूटे, हमारा अहंकार नहीं छूटे, कोई दूसरा आकर के काम कर दे। जब तक ये जहर भीतर गड़ा है, ये जिनवाणी अमृत है, ये वैसे ही थोड़ी लिखा है जिनवाणी अमृत रसाल, अमृत है, अमृत जहर झुरझुरी आ गए। यह परमामृत, अब ये परमामृत थोड़ी है, ये ले बैजी ने कही बेटा काड़ू पी दियो। दूसरे दिन बैजी पास आया, बैजी कुछ फायदा नहीं, क्या पर्चा कहा है कि बोई तो हमने पी लो काड़ू। अरे तुम्हारा जी अमृत है, अरे इसमें कहा हुआ तत्व ज्ञान अमृत है, वेद ज्ञान अमृत है, तत्व ज्ञान और वेद ज्ञान को अमृत नहीं मानोगे और इस छह समय ज्ञान को अमृत मान ले तो हम क्या करेंगे, शब्दों में अमृत होता है कहीं। मधुर संबंधों के लिए मधुर संबोधन भी चाहिए, वाणी भी मीठे होनी चाहिए, अभिप्राय ही सही नहीं होना चाहिए, वाणी से भी उसे व्यक्त करना चाहिए। नमो त्रियोग समार के बस लक्षण धर्म मान, हम कहां तक व्याख्या करें, कौन सामने रखी है, कौन लिखी है, दस लक्षण धर्म महान, महान पुरुष इसे दस लक्षण धर्म को धारण करते हैं। अरे दस लक्षण धर्म को धारण करते वे महान हो जाते हैं, महान पद को प्राप्त करते हैं, वे चार लोग उत्तम में हो जाते हैं। चार ही उत्तम क्यों हैं, चार ही धर्म को धारण कर रहे हैं, हम क्या करें, पांचवा बता तुम बताए, अरंत सिद्ध साधु या धर्म के अलावा पांचवा तुम बता, हम उसको भी मान लेंगे उत्तम, लेकिन पांचवा कोई है नहीं तो पांचवे को उत्तम हम बताएं का। महान पुरुष इसे धारण करते हैं और इसे धारण करते हुए महान होते हैं, आत्मा स्वभाव से महान है। पर्याय में दस लक्षण, जब आत्मा धर्म रूप परिणमित होगा, दस लक्षण रूप परिणमित होगा, तब यह आत्मा धर्मात्मा बनेगा, तब आत्मा कहने का अधिकारी है, कह सकूं मैं मां तुझे ऐसा मुझे अधिकार दे। अरे ये मिश्री का डरा है जिनवाणी,
जहां से निकालो वहीं से मीठा मीठा, इसमें खट्टापन है ही नहीं। महान पुरुष इस महाव्रतों को धारण करते हैं, मूलाचार की परिभाषा है ये। महाव्रतों को धारण करने वाले महान होते हैं और ये व्रत स्वयं में महान है, इसलिए इनको महाव्रत कहते हैं। अहो दस लक्षण धर्म महान, वहीं से अर्थ यहां निकल पड़ा ये। दस लक्षण धर्म को धारण करने वाला पर्याय में भी महान बन जाता है। स्वभाव से तो महान है ही कोई, इसका मतलब है क्रोध करने वाले का भी स्वभाव तो क्षमा करने का है। मान करने वाले का स्वभाव तो विनय है, कुटिलता करने वाले का स्वभाव भी सरलता है, लोभी का स्वभाव भी संतोष है। संतोष जीव को महान बनाता है, नहीं संतोष धारण करे। तुमने दृष्टांत सुना है? सुना तो हो गई। राजा का वो का नाम सेठ का एक मजदूर था, अब अंतिम समय था मजदूर का, बीमार हो गया। सेठ के बुलाया, सेठ जी आपको कर्जा हम दे नहीं पाए, हम पे और तो कछु है नहीं, जमीन जायदाद और कछु नहीं है, अब जो बच्चा है जो तुम्हारी सेवा करता रहेगा। कर्जा लेकर के मरना और भूल जाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बुरी बात है। उपकार देकर जिसने उपकार किया भूल जाना बहुत बुरी बात है। हम कह रहे गरीब आदमी का होता है, जिसको तुम गरीब कहते हो उसके विचार तुमसे अच्छे हैं, ये समझ लेना। देने तो हैं तुम्हारे, देने तो हैं तुम्हारे, कैसे देंगे? अब ये विधि नहीं बन रही, हमारे आ नहीं पा रही, ताकि हम दे नहीं पा रहे। देने तो हैं, एक ऐसे हमें पता ही नहीं, ट्रैक्टर ले आए फसल टूटी जो बेचकर, और साहूकार के देने के लिए दम निकल रही। अरे भाई एक एक रुपया दे तो एक एक साल में 365 याद ये समझ ले, लेकिन देने का भाव होता स्वीकार ही नहीं। कब है ले गए भूल गए, ये व्यवहार बिगाड़ता है, तुम्हारा ध्यान रखना। उस दिन वो एक कारीगर कह रहा था, तुमने हमारी व्यवस्था बंद कर दी, उन्हें नहीं जाए तुम्हें उनके का फर्क पड़ेगा उन पे, लेकिन हमारी व्यवस्था बंद हो गई, कौन विश्वास कर पाएगा गरीब आदमी का? जरूर तो बंद का कौन विश्वास करेगा, कौन देगा कौन लेगा बता। नहीं दे दियो, कल मैं बैंक में से निकाल के तुम्हें दे दी, तुमने दे दे ले ले जा, और बिन्ने बस पता ही नहीं कहां के बैंक, और बैंक लगा के दूसरी जगह लगा दे। अब ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अब जेब मांगे तो सोचने पड़े तुम, क्यों हार की जीत में ये लिखा किसी से चर्चा? सुनो एक बात सुन जा बाबा, घोड़ा की मत कहियो तुम, क्या घोड़ा की नहीं कहे वो तो तुम्हारा हो चुको। अब एक बात सुन जा, कहा किसी के सामने चर्चा मत करना, क्यों? अब बाकी अकाली काम नहीं गई, नहीं तो गरीबों का कोई विश्वास नहीं करेगा, असमर्थों की कोई मदद नहीं कर पाएगा, किसी चर्चा मत करना। तुमने अपाहिज बनकर के और ये घोड़ा चुराया, तुमने हमसे छीना, अपाहिज बनकर तुम अपाहिज न बन जाना भैया। अबे तो नकली अपाहिज बने हो, जो नकली भेष बना करके भीख मांगते हैं, कहो तो असली भीख न मांगनी पड़ेगा। उंगली जला जला करके और हाथ पांव तोड़ तोड़ करके भीख मंगवाते, कहो तो हाथ पांव न टूट जाए, और पेड़ की डालियां ऐसे तोड़ते 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 हाथ पांव टूटेंगे और क्या होए? कम से कम प्रश्चित तो होना चाहिए। आरंभी इद्धा का तुम्हें त्याग नहीं है, श्रावक की भूमिका में हमें भी मालूम है, लेकिन कम से कम ये तो लगना चाहिए हिंसा है। सिद्धांत तो ऐसा रखो ये भी पाप है, करने पड़ रहे ठीक है। अब कपड़ा है तो धोने ही पड़ेंगे, क्या करोगे?
लेकिन कपड़ा धोना अहिंसा थोड़ी है। क्यों उपकरण कहा? इसलिए उपकरण कहा, ये आरंभ हिंसा से बच गए। कपड़े ही नहीं तो धोने का, इतना नहीं नहीं तो करने का, तसला बाल्टी लोटा कान चाहिए, और मुफ्त में तो आएंगे नहीं, फिर पैसा चाहिए, फिर व्यापार चाहिए, फिर क्या करें? और नहीं तो व्यापारियों की गुलामी चाहिए, कचरा सेठ नहीं गुलामी। सोचना गंभीरता है, यह तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग है। ओ, और स्वरूप तेरा दशलक्षण रूप है, अगर तू दशलक्षण से च्युत हो जाएगा तो सर्व दोषों का प्रसंग है। दीपान क्षमा से च्युत हो गए, बार तपस्या बेकार गई, तप का भी नाश किया और मरण का भी नाश किया, मरण भी बिगाड़ा। अब समझ रहे, तुम्हें बिगाड़ने हो तो कोशिश करियो, अपने चुप रहे अंत में बोल पड़े तो सब बेकार हो। भाई अंत में उबल पड़े तो सब बेकार हो गया कि नहीं? दस लक्षण जीव को महान बनाता है, माने पर्याय में भी महान बनाता है। स्वभाव से तो महान त्रिकाल है, पर्याय में महान तब होता है जब दस लक्षण धर्म आता है। उससे पहले दस लक्षण धर्म उपाधेय है, ये आते हैं, ये उपाधेय की क्या श्रद्धा होती है कि नहीं? सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? और सम्यक दर्शन होते ही अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव हो जाता है, उतना धर्म प्रकट हो गया। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। अरे सम्यक दृष्टि हो गए, ज्ञान वैराग्य न हो गए ऐसा हो नहीं, असंभव। अनंतानुबंधी उसके साथ चली जाती है, अब वो तुम्हें नहीं दिखी, तुम्हारी जन्म तिथि कौन सी है? अब तुम जन्म के दिन के बताओ, घर में आने की तिथि थोड़ी बता दोगे, अब वो पता ही नहीं पड़ता ये पेट में कितने दिन रहे। लेकिन वास्तविक जन्म तो तभी हो गया जब गर्भ में आए, तभी तो वो गर्भ बढ़ना शुरू हुआ है, और गर्भ के दुख वहां पर सहन करे उसने जीव ने कि नहीं करे? अगर जीव नहीं है तो कौन है सहन करे? ये गर्भवास के दुख झूठे जनी उधर बसो नवमान अंग सकुचते पाई त्रास, उल्टी मान्यता के कारण उल्टी लटकती रही, वह झूठन खाए के लिए ऐसे ऐसे देखत रही, झूठन आया और उस माता ने चरपटा खाया तो उसको चरपटा मिल गया, मीठा खाया तो मीठा मिल गया। ये भगवान ये दुख तुम्हें तुम्हारे अज्ञान से हुए हैं, तुम्हारे कर्म के उदय से उनका संयोग हुआ है, कहीं ऐसा का नहीं है किसी दूसरे ने दिए? ये माता खराब नहीं है, तुम्हारा कर्म खराब है। माता शत्रु पिता वैरी ये नालो न पाटता है। जो माता और पिता बच्चों को संस्कार नहीं देते अच्छे, देखो यहां जैसे समय है यह कहा पता, समता का संस्कार, सहनशीलता का संस्कार, क्षमा का संस्कार, सामने वाला कुछ भी कहेगा विनय का संस्कार, सरलता का संस्कार, संतोष की संस्कार, अच्छी संस्कारों की ओर ध्यान दो। और आज ये परेशानी आई ये पड़ रही है, संस्कार गलत है हमारे। सीख के आए हो गलत और समझ रहे हो हम सही सीख के आए, क्यों इस लोग पढ़ना आता बस। साक्षरता अलग है और शिक्षित अलग है, ध्यान रखना, साक्षरता और शिक्षित में अंतर है। आज लोग साक्षर तो हैं, साक्षरता की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन शिक्षित की संख्या घट रही है। 1,00,000 रुपया मिला और तनख्वाह को अब क्या कहें, कहूं 15 रुपया मिलते, कहूं 20 रुपया मिलते तनख्वाह के, और तब बेईमान नहीं, आप बेईमान हो रहे।
पैसा बेईमान नहीं बना रहा, तुम्हारी तृष्णा बेईमान बना रही है। दस लक्षण धर्म युगपत होंगे, जो क्षमावान नहीं होगा वह विनयवान भी नहीं होगा, वह सरल भी नहीं होगा, वह संतोषी भी नहीं होगा। क्षमावान होगा वह विनयवान भी होगा, सरल भी होगा, संतोषी भी होगा। दस लक्षण धर्म महान, महानता की ओर ले जाता है, आदमी को महान बना देता है, पुरुष को महापुरुष बना देता है, भगवान बना देता है। भगवान का अनुयायी तो बहुत दूर की बात है, भगवान बना देता है। संसारी को मुक्त कर देता है, दुखी को सुखी करता है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाता है। कौन? दस लक्षण धर्म। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपूं, जो तेरी करना गए तो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।